लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर आज चर्चा होनी है और कल अर्जुन मेघवाल ने बिल पेश किया था, तो आज इस पर चर्चा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक दिन पहले ही इस बिल को पेश किया गया था लोकसभा में। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर आज चर्चा, कल अर्जुन मेघवाल ने, जो मंत्री हैं, कल मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया था। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके दिल्ली से हमारे रिपोर्टर फरहा, आज का दिन कितना गहमा गहमी वाला हो सकता है सदन में, चूंकि बिल कल पेश किया जा चुका है, आज उस पर बहस होनी है। फरहा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर आज चर्चा संभव है। एक दिन पहले ही जो संसद का जो विशेष सत्र जो चला रहा है, इस सत्र के दूसरे दिन कल एक दिन पहले जो है इसको लेकर मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिल पेश किया था और आज इस पर चर्चा होनी है। हमारे साथ फरहा जुड़ चुकी है, हमारे संवाददाता दिल्ली से। फरहा, आज कितनी गहमा गहमी हो सकती है इसको लेकर? विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी आज मीटिंग भी हो रही है अपने रणनीति को लेकर, साथ ही आज पर बहस होने की संभावना है। जी बिल्कुल, देखिए इस विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और आप साफ तौर पर जो है इस पर बहस की जाएगी और ये माना जा रहा है कि आज हंगामा भी हो सकता है। देखिए साफ तौर से जिस तरीके से कल इस बिल को पेश किया गया और उससे पहले ही जो है विपक्ष की तरफ से काफी सारी प्रतिक्रिया आ रही थी और आज भी ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो अपनी अपनी राय रखेंगे। 11 बजे से लेकर 6 बजे तक इस पर डिस्कशन होगा। देखिए नारी शक्ति वंदन विधेयक पर जो है सब अपनी अपनी बात रखेंगे और देखिए कई बातों में विपक्षी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, क्योंकि जिस तरीके से 314A का जिक्र हुआ, परिमिशन और जनगणना की बात हुई, उसके बाद से लगातार जो विपक्ष है उसकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस शुरू दिन से कह रही है कि हमारा बिल है, हम इसको लाए थे और अगर ऐसा करना था तो 2014 में क्यों नहीं किया, अब चुनावों से पहले किया जा रहा है और जब सबको ये पता चला है कि ये 2024 तक लागू नहीं होगा, 2029 तक लागू होगा, तो सब इसको चुनावी जुमला बता रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज काफी गहमा गहमी देखी जाएगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो है वो सोनिया गांधी जो है वो मुख्य वक्ता होंगी और वो अपनी बात रखेंगी। तो वहीं अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, तमाम जो महिलाएं हैं वो अपनी बात रखेंगी। तो साफ तौर से कल जिस तरीके से इस बिल को पेश किया गया था तब भी गहमा गहमी देखी गई थी, विपक्ष जो है वो काफी हमलावर हो रहा था और उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया सबने देखी कि सब इसको एक जुमला बता रहे थे। तो आज ये देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसको पहले भी जो है ये काफी लंबे समय से जो ये विधेयक है ये लंबित पड़ा हुआ, ये बिल पास हो गया था लेकिन काफी लंबे समय से ये लंबित था। अब जिस तरीके से कल नए संसद भवन में सब गए तो एक नया बिल जो है वो पास हुआ और वो भी आरक्षण का, तो ये अपने आप में महिलाओं के लिए काफी बड़ा बिल होगा क्योंकि 33% आरक्षण जो है वो उनको मिलेगा, काफी चीजें जो है वो बदली जाएंगी। वहीं अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कल देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी एक बात रखी, उन्होंने कहा कि मैं इस बिल के हक में नहीं हूं क्योंकि ओबीसी कोटा में महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखिए सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष और पक्ष में काफी हंगामा हो सकता है और जो वक्त है वो 11 से 6 का तय किया गया है, तो उसी हिसाब से देखना होगा कि किस तरीके से जो है वो चर्चा होती है, क्योंकि अब विपक्ष जो है वो लगातार छोटी छोटी चीजों को जो है वो उठा रहा है और बार बार एक ही लाइन दोहरा रहा है कि बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है चुनावी दौर से पहले।
क्या क्या इस स्ट्रैटेजी वाली बात को कहने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि चूंकि इस बिल के ये बिल अगर पास हो जाता है, कानून बन भी जाता है, तो लेकिन इसे लागू होने से पहले दो चीजें अहम हैं, जनगणना होनी है, इसके लिए डिलिमिटेशन एक शर्त है, उसके बाद ही ये लागू हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दूर की कौड़ी है, और क्या इसलिए विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले जो है सब अनुमान लगा रहे थे कि अभी आगामी चुनाव है तो उसमें पूरी तरीके से रूपरेखा बदल जाएगी और 2024 तक लागू हो जाएगा। तब तक सबकी अटकलें वहीं तक थी, लेकिन जब पता चला कि इसमें अनुच्छेद जो है वो ऐड किए गए हैं और 2029 तक ये लागू होगा और इसमें सारे प्रावधान जो है वो, देखिए कोई भी अगर इस चीज को समझना होगा, कोई भी बिल आता है तो उस पर चर्चा होती है, उसकी सारी चीजें सामने रखी जाती है, किसी भी बिल आने के बाद पूरा डिस्कशन होता और फिर पता चलता है उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्लॉज हैं, क्या क्या सेक्शंस जोड़े गए हैं। वही कल हुआ है कि उसको पेश किया गया है, आज पूरी तरीके से डिस्कशन होना है, विपक्ष अपनी बातें रखेगा, पक्ष अपनी बातें रखेगा, लेकिन विपक्ष जो है वो बार बार इन चीजों की, चाहे वो हम परिसीमन की बात करें, जनगणना की बात करें, इसके आधार पर ये कह रहा है कि एक ये चुनावी जुमला है, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि महिलाओं को जो है वो आरक्षण 2024 तक मिल जाएगा क्योंकि आगामी चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से 2029 तक का वक्त तय किया गया है उसको ये जा रहा। वहीं देखिए, जैसे मैंने कपिल सिब्बल की बात करी या कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात करी, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये बिल जो हम लाए थे, देखिए वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये बिल कांग्रेस का है तो उस टाइम पर लागू क्यों नहीं किया जब आपकी सरकार थी। तो देखिये, गहमा गहमी दोनों के बीच है और आज पूरी तरीके से डिस्कशन होगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष अपना पक्ष रखेगा, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो डिस्कशन है इसमें हंगामा पूरी तरीके से हो सकता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से ये सोच रही है कि इस बिल पर जो है वो घिरना है। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि तो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, सिर्फ तमाम जो राज्यसभा लोकसभा की बात की जाए, क्योंकि आज तीसरा दिन है और भी बिल जो है वो पटल पर रखे जाएंगे, राज्यसभा में जो है वो चंद्रयान 3 को लेकर जो है वो डिस्कशन होगा, तो विशेष इसलिए ही बुलाया गया था कि जितने भी विशेष बिल, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा गया कि इससे पहले जो सत्र है उसमें काफी हुआ, चर्चा नहीं हो पाई, तो जो बिल रुके हुए थे, देखिए एक सर्वदलीय बैठक भी हुई थी इससे पहले, उसमें देखिए विपक्ष की तरफ से अगर देखा जाए तो कल समर्थन भी था, लेकिन उसके बाद जब सारी चीजें सामने आई कि क्या क्या क्लॉजेस हैं, तो उसके बाद साफ तौर से जो है वो विपक्ष का गुस्सा जो है वो झलकने लगा। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो है केंद्र सरकार अपनी बात को रखेगी, और देखिए इसको अगर हम कानूनी रुख देखें तो वो शायद इसलिए क्लॉजेस ऐड किए गए हैं कि कोई भी कानूनी तरफ से इसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए इतना समय जो है वो उसको बढ़ाया गया है। फराब, मैं एक बार चाहूंगा जरा कि आप इस बिल के बारे में थोड़ा सा विस्तार हमारे दर्शकों को दें कि दरअसल इस बिल के प्रोविजंस क्या हैं, इसके तहत महिलाओं को फायदा क्या मिल सकता है, और कई बार तो ये बातें भी उठती रही हैं कि जब बात आधी आबादी को अधिकार देने की होती है तो आधी का मतलब आधी, तो फिर ये 33 ही क्यों? एक बात ये भी उठती है, लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि लोगों के जहन में यह बात साफ होनी, जैसा आपने बताया अभी कि 24 में शायद इसका फायदा नहीं मिलने वाला, क्यों, और 29 तक मिलेगा तो क्यों, ये जरा विस्तार से बता दें। देखिए, जब भी हम महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं तो सबके मन में ये सवाल उठता है कि क्या बिल है, तो सबसे पहले तो मैं इस बिल के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, अभी मौजूदा स्थिति देखी जाए तो 14% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलता है, लेकिन इस बिल के बाद सीधा सीधा 33% मिलेगा, ठीक है। एससी एसटी जो है कोई अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा, इसी बिल में जो है वो सीट्स के आधार पर मिलेगा। साफ तौर पर अभी जो इसको क्यों 2024 में लागू नहीं किया जा रहा है वो भी मैं आपको बता दूं कि सीटों का परिसीमन होगा और उसके लिए जो है वो थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त इसलिए चाहिए है क्योंकि देखिए विधानसभा की जितनी सीटें हैं वहां से भी मंजूरी चाहिए होती है। देखिए, कोई भी अगर बिल जो है उसका ड्राफ्टिंग आती है, ड्राफ्टिंग के बाद जो है उसमें सारे क्लॉजेज आते हैं, उस पर एक बार चर्चा होती है और उसके बाद उसके प्रावधान बताए जाते हैं और उसके बाद वो बिल जो है वो बताया जाता है क्या है। तो जैसे ही देखिए इसके बारे में सबको पता चला कि महिला आरक्षण बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जाएगा, देखिए अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये 2010 में जो है ये पास हो गया था, उसके बाद से काफी समय से लंबित था। तो देखिए इस वजह इसके पीछे यही थी कि काफी सारी जो चीजें थी, जो अटकलें थी, वो पूरी तरीके से
इसको उस तरीके से वोटिंग नहीं मिल पाई थी, लेकिन अभी हम मौजूदा बात करें तो ये पास हो गया है। जैसे मैं बता रही थी कि विपक्ष भी जो है वो भी समर्थन कर रहा था, लेकिन वो तब तक समर्थन कर रहे थे जब तक उनको ये लग रहा था कि महिलाओं को जो है वो तुरंत मिल जाएगा। वहीं महिलाएं भी कह रही थी कि हो सकता है इसे पूरी तरीके से रूपरेखा बदले, लेकिन जब इसमें दो क्लॉजेस को जोड़ दिया गया जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, और जब इसमें ये समझ में आया कि देखिए अलग से एससी एसटी का कोई कोटा नहीं होगा, ओबीसी का नहीं होगा, ये जितनी भी सीट अलॉट की है उसी में होगा, तो उसके बाद से जो है वो गहमा गहमी हो गई है। तो आज जो है वो डिस्कशन होगा और उसमें जो है सारी चीजों को बताया जाएगा कि ये क्लॉजेस क्यों चेंज किए गए हैं, ये इसमें क्यों इतना वक्त लग रहा है, ताकि जो है विपक्ष जो है लगातार जो सरकार को घेर रही है वो अपनी बात रखेगी कि उनको कहां पर कमी लग रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी बातों को रखा जा रहा है, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जवाब चाहिए कि अगर आप इस मौके पर इस बिल को लेकर आए हैं तो अभी आप इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बहुत ही विस्तार से तमाम चीजों को बताने और समझाने के लिए। तो दर्शकों को भी आज इस बात का इंतजार रहेगा, हमारे दर्शकों को, कि इस पर इस बिल को लेकर जब आज लोकसभा में बहस जब होगी तो इस बिल पर किसकी क्या राय होती है, कौन इसमें कुछ खामियां देखता है, कौन इसमें काफी गुण देखता है और इसकी तारीफ करता है, ये बड़ा अहम होगा। चूंकि जैसे कि खबर उसके मुताबिक जो विपक्षी पार्टियां, जो अलायंस है इंडिया नामी अलायंस जो है, उसकी आज लोकसभा में इस बहस से पहले अलग से एक उसकी मीटिंग होगी ताकि वो अपनी रणनीति तय करें। अब विपक्ष की रणनीति के साथ सामने आता है ये भी देखना है हमको। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राहुल नहीं, विंग्स साथी एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है, वही मौके से चार तस्कर भागने में कामयाब हो गए। नालंदा के सोराय थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दो जातियों के बीच विवाद हो गया, जहां बदमाशों ने मारपीट और हवाई फायरिंग की। इधर फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दो। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर आज चर्चा, कल अर्जुन मेघवाल ने बिल पेश किया था। इस खबर से आगे आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला मंत्रित्वों को मिठाई बांटी और कहा कि नारी शक्ति नमोनमा। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व नीति और निर्णय में भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आधी आबादी के नेतृत्व में भागीदारी के लिए गए इस निर्णय की जितनी सराहना की जाए कम है। संसद में 33% महिला आरक्षण न सिर्फ महिलाओं का मनोबल बढ़ाएगी बल्कि राजनीति में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने, समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण में उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित करेगी। आज लोकसभा में पेश हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐसा निर्णय है जिससे हमारी नारी शक्ति को सही माने में उनका अधिकार मिलेगा। ये ट्वीट में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेंशन किया था।
और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नम्रता शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आरक्षण देने के विचार का समर्थन किया है और कांग्रेस ने स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं को सशक्त बनाया भी है और अब अगर मोदी सरकार यह बिल पेश करती है तो कांग्रेस पार्टी सरकार के इस कदम का स्वागत करेगी। सीनियर नेता नम्रता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो कितना बदलाव लाने वाला है महिलाओं के जीवन में? देखिए 50% आबादी है महिलाओं की इस देश के अंदर और कांग्रेस हमेशा से इसकी पक्षधार रही है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ना करते हुए उन्होंने ये निर्णय किया था कि 50% आबादी को अपना हक मिलना चाहिए, अपनी साझेदारी उनकी राजनीति के अंदर होनी चाहिए। इसी के तहत 1989 में राजीव गांधी ने ये बिल जो पंचायती राज के अंदर और लोकल बॉडीज के अंदर लाया, जिसे तब लोकसभा में पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में वो रुक गया। 1992 में उस बिल को मान्यता मिली, विधेयक को, और संशोधन हुआ हमारी इसमें और फिर ये बिल को पारित किया गया और 33% आरक्षण महिलाओं को मिला लोकल बॉडीज में और पंचायती राज में। आज 15 लाख से अधिक महिलाएं अपना बहुत अच्छे से अपनी काबिलियत को दर्शा रही हैं और पंच बन के कॉरपोरेटर्स बन के आगे आई हैं और एक बहुत सशक्तिकरण की तरफ ये पहला कदम था। उसके बाद कांग्रेस की जो सरकार थी 2010 में उन्होंने विधेयक लाया राज्यसभा के अंदर और ये पारित किया गया कि विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड असेंबली दी जाएगी, लेकिन लोकसभा में बिल को रोक दिया गया। लेकिन जो राज्यसभा में बिल पारित हो जाते हैं वो डेड नहीं होते, वो अलाइव रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। 2014 के बाद जब ये मोदी सरकार आई तो कंटिन्यूअसली सोनिया जी और राहुल जी द्वारा पत्र लिखे गए प्रधानमंत्री जी को कि इस बिल को लाया जाए और इसे पारित किया जाए ताकि महिला सशक्तिकरण सही रूप में हो सके, एम्पावरमेंट ऑफ महिला, ताकि डिसीजन मेकिंग में महिला अपनी भागीदारी दे सके। आज 2014 के बाद 9 साल के बाद इन मोदी सरकार की नींद टूटी है। हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए, तो आज इस बिल को लोकसभा में लाया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी से मिल गई, तो ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है, हमारा बेटा। फायदा क्या होने वाला है एज ए महिला आप नेता हैं और महिलाओं को क्या फायदा होने वाला? देखिए जब तक महिला को देखिए आरक्षण की जरूरत किसको मिल जरूरत होती है, जो एक जिसको समाज में आगे बढ़ने के लिए कुछ रुकावटें आए। महिलाओं को जिस तरह से आज महिला का भागीदारी राजनीति के अंदर देखिए उस तरह से नहीं हो पा रही थी, जब तक कि ये संशोधन नहीं किया जाएगा तो ये जो पुरुष प्रधान मानसिकता है वो कभी भी महिला को आगे नहीं आने देगी। आज भी आप नंबर देख लीजिए पार्लियामेंट के अंदर असेंबली के अंदर कितना है महिलाओं का, गिने चुने आंकड़ों में महिलाएं आगे आई हैं। जब ये 33% आरक्षण मिलेगा तो आज जिस तरह से कॉरपोरेटर्स महिलाएं आगे आई, पंचायत पंच सरपंच महिलाएं आगे बढ़ के आई, डीडीसी बन के आई, वीडीसी बन के आई, इसी तरह से आगे आने वाले समय में महिला एमएलए होगी, मंत्री होगी, एमपी होगी, केंद्र के अंदर मंत्री बनेगी, तो उसके लिए एक बहुत बढ़ता हुआ कदम है। वी आर डिलाइटेड एंड अमेज्ड दैट जो बिल हमारा जो बेबी चाइल्ड था उसको आज एक स्वरूप मिलने जा रहा है और हम बहुत खुश हैं। कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी तो शुरू से पक्षधर रही है इसकी कि महिला को अपना अधिकार मिलना चाहिए, 50% आबादी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। तो महिला को उनको अधिकार मिलना चाहिए ये पहले से कांग्रेस पार्टी चाहती थी और इससे पहले भी लोकल बॉडीज और पंचायत में महिलाओं को हक मिले उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और इसको ये वेलकम करती है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद्य, न्यूज 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जैसे कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जो है आगे संसद में बहस भी होगी इसके ऊपर, तो हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि आज पूरे भारत की महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि शुरू से वो चाहती थी कि कहीं ना कहीं राजनीति में बहनों को भी 33% का आरक्षण जो है वो मिले, तो इसके ऊपर हमें यही विश्वास है कि आने वाले दिनों में आगे भी महिलाएं अच्छे तरीके से काम समाज के लिए करती हैं, राजनीति में अच्छे तरीके से अपना अपना जो दायित्व है उसको निभाती है, परंतु कहीं ना कहीं महिलाओं को इससे और भी उम्मीद थी कि शुरू से वो चाहती थी कि बहनों को भी इसमें राजनीति में 33% का आरक्षण मिले और हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में ये सब संभव है। राजनीति में अभी तक उनको वो स्थान नहीं मिला था, लेकिन आपको लगता है कि अब सोच बदलेगी क्योंकि अब राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा उनको रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें? बहुत पहले हम शुरू से देखते थे क्योंकि सालों पहले जो हमारी यहाँ पे सरकारें होती थी तो उन्होंने कभी भी महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं दिया, लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भारत की भागडोर संभाली है तब से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, खासकर अगर मैं जम्मू कश्मीर की अपनी बात करूं तो यहां पर तो महिलाओं को कभी भी आगे आने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपना कार्यकाल संभाला था
तो उसके बाद हर जगह हम देखते थे हमारी बहुत सी बहनों को आगे आने का मौका मिला है राजनीति में, चाहे आप पंच सरपंच को ले लो, बीडीसी की बहनों को ले लो, डीडीसी की बहनों को ले लो, यहाँ तक कि सिर्फ विधानसभा में बहनों को मौका नहीं मिलता था, नहीं तो नीचे की जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं प्रधानमंत्री जी के आने के बाद वो सोच बिल्कुल बदल गई है। अब बहनें जो हैं बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को निभा भी रही है और बहुत सी बहनों को आगे आने का मौका भी मिला है। नहीं देखिए, जैसे पहले था, जैसे पॉलिटिक्स में जो था कि वुमेन्स को इतनी एम्पावरमेंट नहीं दी जाती थी, मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो अब जैसे 33% सीट्स उन्होंने रिजर्व की हैं वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए, तो एक वो काफ़ी अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है। ताकि जैसे महिलाओं का क्या था, वो होम मेकर तक ही रही थी और कुछ जगह पे उनको मतलब इम्पोर्टेंस मिलती थी, जॉब्स ये वो, पर पॉलिटिक्स में इतना नहीं था। पर अब जैसे उनको इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने, मोदी जी ने, तो वो काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जिससे उनको भी थोड़ा वो बूस्ट मिलेगा कि वो भी अपने हिसाब से अपनी वार्ड्स को, जैसे घर में साफ सफाई रखती हैं, वो अपनी सोसाइटी को भी वैसे क्लीन रखे जो मतलब आगे बढ़े। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देते हैं, हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और इसको लेकर यह समझा जा रहा है कि थोड़ी गहमागहमी भी हो सकती है। एक दिन पहले भी जो दूसरा दिन था, तब भी दूसरे दिन भी इसको लेकर नोकझोंक होती रही थी और गहमागहमी भी रही थी, नोकझोंक हुई थी। तो आज जो है हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन है और जिस तरह से मानसून सत्र का तीसरा दिन है तो विपक्ष का अपना एक अलग स्टैंड है, जबकि जो सत्ता पक्ष है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर चर्चा को जो है वो आगे बढ़ा रहा है। चर्चा के बाद वोटिंग से प्रस्ताव पास होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, हिमाचल प्रदेश में जो मानसून सत्र है उसका आज तीसरा दिन है और यह तीसरा दिन आज कितने इस ये हंगामेदार होगा इस पर भी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि आज तीसरा दिन क्या कुछ होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रस्तावित जो है उसको लेकर उस पर चर्चा के बाद वोटिंग होनी है, तो ये आज इस पर विपक्ष का स्टैंड क्या होता है ये भी दिख जाएगा। अन्य सदस्य ने एक बात रखी है कि देश के प्रधानमंत्री जी से हमारी कोई चर्चा हुई और इन्होंने शेयर के माध्यम से बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है। इन बेचारों की तो चर्चा होती नहीं है, ये तो हमारे राष्ट्रीय आपदा के प्रस्ताव से ही किसी के मुंह से शब्द ना निकल जाए उससे घबरा रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा भी नहीं निकाल रहे हैं। मैं जितनी भी चर्चा सुन रहा हूं उसमें ये नहीं कह रहे कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करना नहीं करना। हम चाहते हैं कि प्रदेश हित में आप इस जो हमारा प्रस्ताव लाया है इसको अगर आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में आपको संकोच क्यों हो रहा है, क्या हिचकिचाहट है? अगर आप इसको करते हैं तो ये नहीं है कि हमारे संकल्प से वहां राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाएगी। हम उसको परस्यू करेंगे, उसको हम बात को मनाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे। आप, मैं चाहूंगा कि आप एक देश के प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी भी जरूर लिखिए कि जहां हम घर के लिए 1,30,000 देते हैं उसको 10,00,000 रुपया मिलना चाहिए, कच्चे घर को 4,000 की जगह हमारे को इतना लेना चाहिए। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जेके लिस्ट पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।